हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी बस जब मैंने एसआरसीसी जीबीओ के नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था कि भाई कॉलेज का फॉर्म आउट हो चुका है आपका जो एग्जाम है वो सिक्स फेबर को है तो काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आया ईमेल आया सर हमें एस आर सी के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर इस कॉलेज का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कौन से डोमेन में हम लोग एंटर कर सकते हैं क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स आती है प्लेसमेंट डेटा क्या है तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं पूरा के पूरे इस प्रोग्राम के बारे में कि क्या आप सीखोगे कौन से सब्जेक्ट्स है कौन सी जॉब्स आती है किस तरह की प्रोफाइल्स आती है ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ तो एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑन एस आर सी सी जीबीओ माई नेम सौरभ कुठारी लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले अगर मैं एसआरसीसी के बारे में बताऊं तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही प्रीमियम कॉलेज है अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर देखोगे बीकॉम ऑनर्स ईकॉम ऑनर्स तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ये माना जाता है तो इसी कॉलेज ने एक अपना 2 ईयर का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम बनाया जिसको इन्होंने बोला पीजीडी जीबीओ मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन तो यहां पे जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग फाइनेंस एचआर वाला नहीं होगा यहां पे जो आपका कोर्स है वो रिजेंबल करता है जो आईएफटी कॉलेज है उसका जो एमबी है है आईएफटी में भी जो एमबीए होता है, वो आपका आईबी प्रोग्राम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में आपको सिखाते तो वही सारे सब्जेक्ट मोर लेस आप यहां पर पढ़ते हो ठीक है तो अगर आपका इंटरेस्ट है लॉन्ग रन में इंटरनेशनल बिजनेस या ऐसी जॉब करने में ऐसी कंपनी में जाने में जिसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस हो तो आपके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल है

उसके बाद आप देखोगे लीगल एनवायरमेंट फॉर ग्लोबल बिजनेस देन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस इंडिया फॉरन ट्रेड एंड पॉलिसी क्रॉस कल्चर बाइंग बिहेवियर सेमेस्टर थ्री देखोगे तो यहां पे भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम देन ट्रांसनेशनल मार्केटिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड इस तरह के सब्जेक्ट रहेंगे सेमेस्टर में अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरनेशनल ट्रेड ब्लॉग्स फिर ग्लोबल ट्रेड के लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तो आप देख रहे हो जो इंटरेस्ट एरिया आपका जो पूरा का पूरा स्पेशलाइजेशन डेवलप हो रहा है वो इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ हो रहा है तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें एक ऐसा रीजन की क्यों आपको इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ एंड देन आगे हम बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे वो है इसका फीस स्ट्रक्चर भाई टोटल इस पूरे प्रोग्राम का फीस 3.2 लाख रुपए है जो इस कोर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है क्योंकि यहां से जब आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो आपको जो एवरेज पैकेज है वो 10 लाख है मैं ये नहीं बोलूंगा ये जो कॉलेज वो है वो एफ एम एस या आई एम्स की इक्वेलेंट है बट ये कॉलेज उन कॉलेज से बहुत बेटर है जो प्राइवेट कॉलेजे है जिनका फीस है ट्वेंटी लाख है फिफ्टीन लाख है ट्वेंटी फाइव लैक है और एवरेज पैकेज वो आपको दस लाख का दे रहे तो उनसे तो फार बेटर है क्यों क्योंकि एस आर सी का ब्रांड आपको मिल रहा है वहां की फैकल्टीज मिल रही है एंड उसके साथ आपका आर काफी अच्छा निकल रहा है ठीक है अब अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ देखें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है प्लेसमेंट्स तो प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जो एवरेज सैलरी लास्ट बैच का रहा है वो रहा है टेन पॉइंट सिक्स वन लाख रुपीज और जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो रहा है ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री टू कौन कौन सी प्रोफाइल के लिए हायरिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको यह समझना है कि दो साल बाद आप किस तरह की जॉब करोगे तो यहां पे मैं आपको पूरा डेटा दे रहा हूं नॉलेज एनालिस्ट की प्रोफाइल पर लोग गए दस परसेंट देन यहां पे अकाउंट मैनेजर पर गए हैं फाइव परसेंट एनालिस्ट ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन में मेंसेंट मैनेजमेंट ट्रेनी ट्रेनिंग सेवेंटीटेंट की जॉब लेके एट परसेंट ब्रॉडबैंड एट परसेंट लगे डेप्टी मैनेजर फिफ्टीन परसेंट बिजनेस एनालिस्ट थर्टीन परसेंट तो मोर और लेस ये प्रोफाइल्स आपकी रहने वाली है ठीक है अब ये कौन कौन से डोमेन और कौन कौन से सेक्टर में गए हैं ये भी हम लोग समझते हैं तो अगर आप डोमेन वाइज देखोगे तो मार्केटिंग एंड सेल्स में ट्वेंटी बच्चे गए हैं कंसल्टिंग स में ट्वेंटी थ्री परसेंट बच्चे गए तो मेजरली बच्चे यहाँ गए उसके अलावा कुछ बच्चे आपके में गए हैं, कुछ मार्केटिंग हैं, तो मोरल मार्केटिंग की जॉब्स कंसल्टिंग की जॉब फाइनेंस की जॉब्स और एचआर की जॉब्स यहां पे ज्यादा रही है कौन कौन से सेक्टर में गए ये भी समझ लो भाई ज्यादातर जो बच्चे वो गए बी एफ एसआई विच इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर आईटी में उसके बाद जो बच्चे हैं वो आप देख पा रहे हो कुछ बच्चे कंसल्टिंग में कुछ एनर्जी में कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ बेवरेजेस में कुछ एटेक में कुछ मैन्युफैक्चरिंग में फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो मेजर जो डोमिनेंस है वो बी एफ एस आई और आई टी सेक्टर में यहाँ पे रहती है ठीक है अब हम एक डिटेल एनालिसिस करें सर मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए बना देता हूं कि क्यों अप्लाई करना चाहिए एंड क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए दोनों के दोनों पैरामीटर्स को आप इवेलुएट करके एक बेटर डिसीजन ले सकते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों अप्लाई करना चाहिए अप्लाई इसलिए करना चाहिए क्योंकि भाई ये एक एग्जाम एग्जाम है है इसका जो एंट्रेंस काफी एकजी रहता है आप आराम से क्रैक कर सकते हो एक महीने दो महीने की मेहनत के, के साथ लेकिन भाई बात वही है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल है वो रहता है जो आपके क्वेश्चन रहते हैं रहते हैं वो आपके कॉन्सेप्टी लेवल पर टेस्ट किए जाते हैं नंबर टू अगर मैं बात करू तो भाई आर वाई के परपेक्टिव से एक बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि थ्री पॉइंट लाख की फीस पे अगर आपको टेन प्लस का पैकेज मिल रहा है तो डीसेंट आपका पैकेज स्टार्ट हो रहा है नंबर थ्री अगर हम बात करें तो एलमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉंग है भाई

एक्सल एस पीजा उस लीग में नहीं आता है तो भाई आप ये नहीं बोलोगे सर मैं टीयर वन कॉलेज में पढ़ रहा हूं नहीं उस लेवल का कॉलेज ये नहीं है तो अगर आपका ये ड्रीम है सर मुझे टीयर वन मतलब

प्रीमियम एमबीए के वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो ठीक है तो मैंने आपको पूरा पैरामीटर बना दिया तो मेरा यही है कि अगर आपको इसी साल एडमिशन लेना, लेना है तो आपको एक करना चाहिए। और मौका मिलेगा डिसाइड कर करने का ज्वाइन करो कि नहीं करो तब तक आप कॉलेज के जो जो सीनियर्स है कनेक्ट करके बात करो देन आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हवेवर अगर आप बिल्कुल में जाना है तो आप इस कॉलेज को इग्नोर कर सकते हो इसका फॉर्म ना फिल करके आप जो आने वाले एग्जाम्स हैं नेक्स्ट ईयर उन पे आप अपनी प्रिपरेशन का फोकस कर सकते हो ठीक है तो मैंने आपको एक कंप्लीट दे दी है अब अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो डेट्स आ चुकी है सबसे पहले सिक्स ऑफ तो फेब्री को आपका एग्जाम है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल मार्च में एग्जाम होता था इस साल एक महीने पहले एग्जाम हो रहा है 3 पीएम से 5 पीएम आपका एग्जाम रहेगा एंड फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कॉलेज का लिंक भी दे दिया आप फॉर्म फिल कर लेना ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल जाए आपको पूरा का पूरा वहां पे प्रोसेस है जैसे कि नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं कॉलेज के उसी तरह का फॉर्म यहाँ पे रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्या है ये समझ लो भाई नाइनटी सीट्स टोटल आपके सामने जिसमें से अनरिजर्व जो सीट है वो थर्टी है ईडब्ल्यू की एट सीट्स हैं अदर बैकवर्ड क्लास 21 वन सीट्स एंड इस तरह से पूरा सीट्स का डिवीजन आपको दे रखा है आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50 परसेंट मार्क्स आपको अपने ग्रेजुएशन में चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो 5 परसेंट का रिलैक्सेशन कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो भाई सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके बाद आपका जीडीपी का प्रोसेस

एंट्रेंस एग्जाम का बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि अगर आप एंट्रेंस में ज्यादा स्कोर करोगे तो आगे तक ये आपके साथ काम रहेगा ठीक है अब अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की तो 40 40 40 40 टोटल 160 क्वेश्चन टू आवर्स का आपके सामने एग्जाम है मार्किंग बहुत क्लियर है अगर आप सही आंसर करते हो तो, आप तो आपको प्लस 4 मिलते हैं अगर आप गलत आंसर करते हो तो माइनस 1 आपका आ जाता है तो मतलब 640 मार्क्स का टोटल एग्जाम आपके सामने रहने वाला अब अगर हम कट ऑफ की बात करें कि लास्ट ईयर कितने स्कोर पे बच्चों को कॉल आई थी इंटरव्यू की तो आउट ऑफ 640 फोर्टी जनरल कैटेगरी को 325, ट्वेंटी फाइव तो अराउंड आप देख सकते हो 50 परसेंट आपको स्कोर करना है तब जाके आपको यहाँ पे कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की EWS की 300 हंड्रेड कट ऑफ थी ओबीसी की 280, SC की टू ट्वेंटी टू एस टी की वन थर्टी फाइव पीडब्ल्यू की वन जीरो सेवन एंड सी डब्ल्यू की वन जीरो सिक्स तो ये आपकी कट ऑफ रही थी इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे एक इजी एग्जाम है कंपटीशन कम है देखो सीट्स भी कम है इसमें कोई डाउट नहीं है बट कंपटीशन भी कम है

एल आर डी आई वर्बल क्वांट हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हो सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करा दिया गया हर एक टॉपिक पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे इससे आपकी टाइमर इस प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको SRCC, के फुल लेंथ मॉक्स लोगेंगे अलॉन्ग जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे ये देखने में कि किस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके सामने प्लानर है खुद प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस प्लानर को फॉलो कर सकते हो अगर आप हमारा कोर्स लेते हो तो ये प्लानर आपको फॉलो करना है जिससे आपकी जो पूरी प्रेपरेशन है एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो जाएगी तो डे वन पे आप एसआरसी लिखोगे ताकि आपको यह पता चल पाए आप स्टैंड करते हो कितना आपका स्कोर आ रहा है आपको अपने से कितना बेटर करना है ताकि सारी चीजें आपके सामने क्लियर रहे हर दिन आपको मैंने थ्री से फोर आर्स के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करे इतने आर्स अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो तो यहाँ पे आप रूट वर्ड्स का वीडियो लेक्चर देखोगे इधर आप टेस्ट का वीडियो लेक्चर देखोगे इधर आप स्पीड मैच देखोगे नेक्स्ट दे आपको वोकेबली का वीडियो लेक्चर देखना है एलआरडी में सीरीज देखोगे इधर टाइम एंड वर्क खत्म करोगे फिर यहाँ पे वोब मास्टर यहाँ पे डायरेक्शन का वीडियो लेक्चर एंड पाइप सिस्टम उसके बाद यहाँ पे आरिक कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हर दिन आप सारे सब्जेक्ट को टच कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट से आप आउट ऑफ टच नहीं हो रहे हो जिसकी वजह से आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बेटर तरीके से डेवलप हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट में आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बनता चला जाएगा देखो SRCC में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है तो आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है तो एग्जाम वाले दिन कौन सा सेक्शन ईजी आएगा कौन सा डिफिकल्ट आएगा वो उसी टाइम पता चलेगा इसलिए हर एक सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो एग्जाम कंडीशन में आप बेटर पोजिशन में आ जाओगे फिर आप यहां पे देख रहे हो एलआर के आपके टॉपिक चल रहे हैं आपके कॉन्स के सारे टॉपिक चल रहे हैं टाइम टू टाइम आप मॉक्स देते रहोगे ताकि आपको ये पता चल

फेब्रवरी को आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे तो पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि एक तरीके से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की कर लो इस पूरे कोर्स की डिटेल आपके सामने शेयर कर दी है कोर्स 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है सिक्स फरवरी तक वैलिड रहेगा आप विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन में इसको एक्टिवेट कर सकते हो हंड्रेड प्रसार्स की वीडियो लेक्चर कुआन डी एल वर्बल के आपको मिल जाएंगे टेन फोन लेस आर सी सी जीबीओ के मॉक्स मिलेंगे विद लेटेस्ट पैटर्न एंड आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे जिससे आप फर्दर प्रैक्टिस कर पाओ कोर्स जो एसआरसी जीबीओ के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है एंड डे बाई डे स्टडी प्लानर आपके सामने होगा ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ाई करो टोटल जो फीस है दैट इज थ्री सिक्स डबल नाइन जिसमें वीडियो लेक्चर स्टडी प्लानर मॉक्स तीनों चीज इंक्लूडेड है एंड अगर आप सिर्फ मॉक्स लेना चाहते तो वो भी आप अवेल कर सकते हो फॉर रुपीज एट सेवेंटी फाइव ठीक है अगर आपको डेमो लेक्चर देने हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डेमो लेक्चर का लिंक दे दिया वहां पे आप डेमो लेक्चर चेकआउट कर सकते हो एंड कोई और डाउट है कोई क्वेश्चन है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर, so, कर सकते हो स्टडी बस डॉट को डॉट इन वेबसाइट पर जाकर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो फिफ्टीन दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है तो एसआरसी जी बीओ के बारे में मैंने आपको एक कंप्लीट एनालिसिस बता दिया अगर आप अप्लाई करना चाहते हो वेल एंड गुड है उसकी प्रिपेरेशन करो एंड अगर अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए अपने सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करते रहो सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच एंड टेक केयर